होडल के कस्बा हसनपुर के नवीन गर्ग नामक व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले मामले में सीआईए होडल ने चंद घंटों के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा करते हुए होडल के डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के आदेश पर होडल की अपराध शाखा पुलिस ने बहुत बड़े 50 लाख रुपए की रंगदारी के मामले का खुलासा चंद घंटों में करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि कस्बा हसनपुर के रहने वाले नवीन गर्ग ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 10 अक्टूबर को समय 4:07 PM पर जब वह हसनपुर में अपनी किराना की दुकान फर्म कन्हैया लाल धर्म प्रकाश पर था तो उसके फोन पर फोन आया जिसमें उसने अपना नाम रावत निवासी राजस्थान बताया और उसे व उसके परिवार को हत्या का भय दिखाकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि व्यापारी द्वारा मिली शिकायत के आधार पर तुरंत ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीएसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए होडल सीआईए प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह की टीम ने सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार ने साइबर सेल प्रभारी विनोद कुमार की सहायता व तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मामले का 6 घंटे के अंदर ही भंडाफोड़ कर फिरौती की इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को हसनपुर क्षेत्र से धर दबोचने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों की पहचान कृष्ण पुत्र विजेंद्र निवासी माहौली थाना हसनपुर, राजू पुत्र तुलसी निवासी हसनपुर, वीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र गंगराम निवासी माहौली थाना हसनपुर, चौथा आरोपी जसवंत उर्फ भोंगा पुत्र करतार निवासी गांव लिखी थाना हसनपुर जिला पलवल के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कृष्ण जो बॉर्डर पर टोल टैक्स पर पर्ची काटने का काम करता है, जिसने राजस्थान गुजरात बॉर्डर से एक मिस सिम कार्ड फ्री फ्रॉड करने की नियत से खरीदी थी, जिसे आरोपी कृष्ण ने अपने गांव के वीरू उर्फ वीर सिंह को दी थी। आरोपी वीर उर्फ वीर सिंह कस्बा हसनपुर में सैलून का काम करता है तथा पीड़ित नवीन गर्ग का उसकी दुकान पर आना जाना था, जिस कारण उसके पास पीड़ित का मोबाइल नंबर भी था। आरोपी वीर उर्फ वीर सिंह ने अपने अन्य साथी राजू पुत्र तुलसी तथा जसवंत उर्फ बोंगा के साथ मिलकर पैसा कमाने के लिए फिरौती की मांग की। अभियोग में धारा 420 IPC जोड़ी गई। सभी आरोपियों को पेश कर अदालत पर रिमांड लिया जाएगा। आरोपियों के रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त मोबाइल आदि के बरामद के भी प्रयास किए जाएंगे। कल रात को हसनपुर थाना में एक दरखास्त प्राप्त हुई कि नवीन गर्ग नाम का एक व्यापारी है, वहाँ पर परचून का थोक व्यापारी है, उसको किसी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। उस पर हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल IPS के कुशल नेतृत्व में CIA होटल साइबर सेल और थाना हसनपुर की टीम मिलकर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या कहाँ के रहने वाले हैं ये, क्या क्या नाम है सर, और किससे वो रंगदारी मांगते हैं? ये 4 आरोपियों में से 2 आरोपी तो रहने वाले हैं माहौली गांव के, एक लेखी गांव का है और एक है हसनपुर गांव का। क्या क्या नाम है? जो मेन आरोपी है वो वीर सिंह है, दूसरा कृष्ण, तीसरा जसवंत और चौथा राजू। ये कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, कितने आरोपी? इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार। तो सर क्या काम करते हैं चारों? इसमें से एक क्या, तो जो मेन आरोपी है वीर सिंह, उसका है सैलून का काम। तो ये जो व्यापारी है नवीन गर्ग, इसके सैलून पर कटिंग करवाने आता था, इसको अच्छी तरह जानता था, इसको पता था कि भाई ये इसकी अच्छी फर्म है और उसका इसके पास नंबर भी था। तो इन्होंने प्लानिंग किया था इसको फोन करके इससे 50 लाख रुपए की रंगदारी। तो सर क्या कार्रवाई कर गया? ये जो सारा आपने जो पर्दाफाश किया है, ये कैसे कैसे आपने पुलिस कार्रवाई की, क्या क्या इनके? हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने इस पर FIR दर्ज की और हमारे SP साहब के निशाने दुष्कार इसमें से आई होटल ने और साइबर सेल ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर और पर्सनल मुखबरी के आधार पर 4 आरोपियों को।